मैं भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली पिक्चर देख रहा हूँ, दैट्स अ गुड थिंग। देखिए मूवी तो हमने बहुत बार देखी है लेकिन आज बहुत स्पेशल था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देखी है। पहले तो उनके ट्वीट से बहुत सरप्राइज हुए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और अब जब वो मूवी देख रहे हैं तो बहुत ही सरियल फीलिंग है। हाई पॉइंट इन माय करियर कहना चाहूंगी। जिस तरह से बहुत सारे राज्यों में टैक्स फ्री बुक कर दिया गया और भी राज्यों में टैक्स, क्या कहेंगे आपके? और देखिए बहुत खुशी होती है जब हमारी फिल्म ऐसे सराही जाती है। बहुत सारी स्टेट्स में टैक्स फ्री हो चुकी है ऑलरेडी और स्टेट्स में भी हो रही है, तो आई होप कि हमारी जनता ये फिल्म देखे। थैंक यू। एक ही सेंटेंस बोलता हूँ जो बोला है मैंने, आप लोग सबको बोलता हूँ। मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैंने फिल्म लाइन में 50 साल काटे हैं और ये पहली बार है कि मेरी बेटी की कंपनी की वजह से, मेरी बेटी की वजह से आज मैं एक पिक्चर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली पिक्चर देख रहा हूँ, दैट्स अ गुड थिंग। देखिए ये फिल्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और आप सब अपने परिवार के साथ जाके देखिए क्योंकि एक हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से चिताओं की आग पे जिसे कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकी गई, तो ये सब देखने को मिलता, दुख होता है। और आज हमें अच्छा लगता है कि कलाकारों को इतना ये फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो फिल्म बना सकते हैं। एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ आज भी दोबारा कहना चाहूंगा देश की जनता से आपके माध्यम से कि प्लीज जाएं अपने सिनेमाघरों में, द साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें। और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। देखिए मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी, तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू अ ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आई थिंक एज विक्रांत सेड दिस इज अ हाई पॉइंट इन माय करियर एज वेल एंड आई होप जैसे प्रधानमंत्री जी को भी अच्छी लगी और सारे मिनिस्टर्स को अच्छी लगी, आई होप आप सब जो ये देख रहे हैं प्लीज ये सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें और बहुत खुशी है आज और थोड़ी नर्वसनेस भी है लेकिन खुशी ज्यादा है। थैंक यू। ये जो आज पल है ये अविश्वसनीय अकल्पनीय है। फिल्म बनाते हुए सच्ची नीयत से बनाई थी मगर ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के ये फिल्म देखी जाएगी और उनके द्वारा सराही जाएगी। मतलब ये बहुत ही हमारे लिए, बहुत ही पूरी टीम के लिए बहुत ही कमाल की बात है। और प्रधानमंत्री जी ने मतलब जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, जो हमारे लिए बड़ा हैरानी की बात थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये पहली फिल्म देखी है, तो मतलब हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और पूरा देश ये फिल्म देख ही रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी देखें और सराहें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।